कंटिन्यू। एक तरफ अब हर टीम की नजर आने वाले T20 विश्व कप की तरफ है और उसी को ध्यान में रखकर सभी टीमें अपने खिलाड़ियों को भी आजमा रही है। लेकिन अगर हाल के दिनों को देखें तो सबसे ज्यादा धमाल मुंबई के खिलाड़ी मचा रहे। कप्तान रोहित का जलवा तो आप सब देख ही रहे। तेज गेंदबाज बुमराह, नवदीप सैनी की रफ्तार का कमाल भी सभी ने देखा। लेकिन अब एक और खिलाड़ी ने अपना जलवा दिखाया है और खास बात यह है कि ये खिलाड़ी रोहित का जोड़ीदार रहा है और उसका नाम है कैरेबियाई बल्लेबाज लैंडल सिमंस। सिमंस ने हाल के दिनों में मैदान पर कोहराम मचा दिया। सिमंस का ये कोहराम आयरलैंड के खिलाफ देखने को मिला। आयरलैंड के खिलाफ सिमंस ने 15 गेंदों पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 80 रन जड़ दिए। तीसरे T20 मैच में वेस्टइंडीज की ओर से मैदान पर उतरे सिमंस ने अपनी नाबाद पारी में 40 गेंदों पर 91 रन जड़कर टीम को 9 विकेट के बड़े अंतर से जीत दिलाई। सिमंस की पारी की बदौलत ही 3 T20 मैचों की सीरीज 1-1 से ड्रॉ हो गई। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड की टीम 138 रनों पर ही सिमट गई। कायरन पोलार्ड और ड्वेन ब्रावो ने 3-3 विकेट लिए। आयरलैंड की ओर से सर्वाधिक रन उनके खतरनाक बल्लेबाज केविन ओब्रायन ने बनाए। उन्होंने 36 रन की पारी खेली। जवाब में वेस्टइंडीज टीम ने लैंडल सिमंस की ताबड़तोड़ पारी के दम पर 54 गेंद पहले ही 9 विकेट से मुकाबला जीत लिया। खास बात यह रही कि इस पारी के दौरान सिमंस की स्ट्राइक रेट 227.50 की रही। उन्होंने अपनी पारी में 10 छक्के और 5 चौके लगाए। 2014 में सिमंस को जरत सक्सेना की जगह मुंबई इंडियंस में शामिल किया गया था, जहां उन्होंने पहले ही मैच में शतक जड़कर मुंबई को किंग्स इलेवन पंजाब पर जीत दिलाई थी। मुंबई को IPL के 8वें सीजन का खिताब दिलाने में भी सिमंस का अहम रोल था।